हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग एरोकेरिया या कॉमनली इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री, इसके बारे में पूरी केयर देखेंगे कि क्या आप करें, कैसे रखें, कहाँ रखें और क्या इसमें फर्टिलाइज़र डालें ताकि इसकी शेप बहुत अच्छी हो। मेन ये है इस वीडियो में, मेरा पर्पस बनाने का वीडियो ही यही है कि इसकी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर जो प्लांट का होता है, कोनिफरस प्लांट कहते हैं इसको, तो इसकी शेप कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने घर में पॉट में लगाए हुए प्लांट को। तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, कितना बड़ा पॉट लेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, क्या केयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब आप एरोकेरिया या क्रिसमस ट्री अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं तो आप गमला कितना बड़ा लेंगे। देखिए, जनरली बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं ये पहाड़ों पे, और बहुत बड़ी ट्रीज और कोनिकल शेप के होती हैं, तो ये हम लोग ने देखा है ज़मीन पे लगते हैं ज़्यादातर। मगर हम लोग ये ब्यूटीफुल प्लांट को गमले में भी लगाना चाहते हैं अपने घर के लिए। तो इसके लिए ज़रूर ये करें कि जब आप लेके आएँ तो इसको थोड़ा बड़ा गमला दें, स्पेशली डीप, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप जाती हैं और टैप रूट सिस्टम होता है। तो जब तक इसको इनफ सॉयल और इनफ डेप्थ या इनफ सर्कमफ्रेंस नहीं मिलेगा ग्रो करने का, जैसे ये ज़मीन में ग्रो करता है उस टाइप का एनवायरनमेंट दे सकते हैं जब आप इसके लिए बड़ा गमला लेते हैं। आपने अब बड़ा गमला ले लिया, उसके बाद आप इसकी पॉटिंग सॉयल बहुत वेल ड्रेनिंग लें। इसमें लीफ मोल्ड बहुत हेल्पफुल होता है। लीफ मोल्ड आपने देखा होगा, जब ये पहाड़ों पर ग्रो करता है तो वहाँ बहुत सारी सूखी लीव्स गिरती रहती हैं, जिसकी वजह से उसको रेगुलर फर्टिलाइज़र लीफ मोल्ड का मिलता रहता है। तो इसके लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट लीफ मोल्ड, एक पार्ट कॉम्पोस्ट। और गार्डन सॉइल आप अपने इलाके की ही यूज़ करें। अगर कॉम्पैक्ट है तो आप उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा और सैंड का कुछ पोषण डाल सकते हैं, 2-3 मुट्ठी नीम खली और बोन मील, तो इससे बहुत अच्छी सॉइल इसके लिए बनेगी। और अब हम लोग बड़े गमले में इसको नर्सरी से लाए हुए पॉट को रिपॉट करेंगे। और इसकी लोकेशन शुरू में इनिशियली, जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होता, शेड में रखेंगे। उसके बाद इसको ब्राइट लाइट चाहिए। जब तक इसको ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी, फिल्टर्ड लाइट, ब्राइट हो मगर फिल्टर्ड लाइट हो। तो समर्स में ये बहुत ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो इसकी जो ये एजेस हैं लीव्स की, ये सारी ब्राउन होने लगेंगी। लीव्स ब्राउन होने का एक और रीज़न होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आपके गमले में खड़ा रह गया है उसकी वजह से भी येलोइंग और ब्राउनिंग ऑफ लीफ हो जाती है। तो समर्स में इसको शेड में रखें और विंटर्स में आप कहीं पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे आप इस प्लांट को लोकेशन एक ही दें तो बेटर रहता है। मैंने देखा है कि इसको अपनी ही जगह रोटेट करते रहें बेशक गमले को, ताकि एक इक्वल इसकी ग्रोथ हो, पूरे टाइम रोटेट करें, जैसे ऐसे करके। अभी इस पोजीशन में है, 3-4 महीने बाद इसका पोजीशन थोड़ी सी रोटेट करके चेंज कर दें, ताकि इसको चारों तरफ से सनलाइट मिले और इसकी ग्रोथ एकदम स्ट्रेट हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी लॉपसाइडेड हो जाती है, एक तरफ से झुकी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत प्रिटी नहीं लगता। एक और चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि आपको इसको प्रून नहीं करना है। प्रून करने से इसकी शेप खराब हो जाती है, क्योंकि अगर आपने किसी भी रीज़न से इसको ऊपर से प्रून किया तो क्या होगा, नीचे से 2 ब्रांचेस बहुत दिनों बाद निकलेंगी और ये प्लांट इतनी बढ़िया शेप का नहीं रहेगा। तो अवॉइड करें इसकी प्रूनिंग, अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ फंगल अटैक हो गया हो, या कोई मिली बग का अटैक हो टॉप में, या फिर इसमें कुछ स्पाइडर माइट्स का अटैक हो, तब तक इसको एकदम प्रून करना अवॉइड करें। पानी अगर वाटरिंग देखें तो इसको रेगुलरली वाटर करते रहें, मॉइस्चर बना के रखें,
और बहुत लंबे स्पेल तक इसके लिए ड्राई सॉइल ना रखें। चेक करके डालें पानी, ऊपर का लेयर 1 इंच की ड्राई है तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। और जब वाटरिंग करें तो थरली वाटरिंग करें ताकि ड्रेनेज होल से ये निकल जाए। अगर इंडोर रखा हुआ है तो आप इसके नीचे ट्रे लगा सकते हैं ताकि पानी स्पिल ओवर ना हो, मगर ओवर वाटरिंग एकदम भी अवॉइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है इसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे आप हेल्दी ग्रोथ के लिए इस प्लांट की, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत स्लो ग्रो करता है। तो आप इस स्लो ग्रोइंग प्लांट को हेल्प कर सकते हो हेल्दी रखने में अगर आप इसको रेगुलरली वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड इसको 2-2, 3-3 महीने के गैप में थोड़ा थोड़ा साइड साइड से डालते रहें, तो इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर मिलता रहेगा। इस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है फरवरी मार्च में, तब आप इसमें अच्छे से इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और देखिए ये खूबसूरत प्लांट को आप क्रिसमस के टाइम खूब अच्छे, जैसे ये सजाए हुए थे, ये पिछले क्रिसमस का है, तो ऐसे ही सजा के इसको इंजॉय कर सकते हैं इंडोर भी रख के, क्योंकि ये इंडोर भी आप आराम से रख सकते हैं। ये इंडोर बहुत प्रिटी लगता है ये प्लांट। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।